2022 में सिंध पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया और जो मुश्किल वक्त था फ्लड के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तमाम में अपनी भरपूर मेहनत के साथ ड्यूटी सर अंजाम दी तमाम अफसर और जवानों ने, और उसके लिए वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। और महदूद वसाइल के बावजूद जो भी इश्यूज आए उनको अच्छे तरीके से डील किया और लोगों की मदद की। सिंध पुलिस में सिक्योरिटी डिवीजन ने जो काम सर अंजाम दिए वो भी काबिल तारीफ है, और उसमें मैं तमाम अफसरों जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी मुश्किल ड्यूटी सर अंजाम दी और लोगों की मदद की, स्पेशली फ्लड रिलीफ के हवाले से। और जो क्रिकेट मैचेस हम कराची में अरेंज किए उनकी सिक्योरिटी उसके हवाले से, और आइडियाज़ की जो एग्जीबिशन थी उसमें इस दफ़ा सिंध पुलिस ने पहली दफ़ा उसमें शिरकत की और उनके स्टॉल को बेहतरीन स्टॉल का अवार्ड मिला, उसके लिए भी मैं सिक्योरिटी डिवीजन की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये साल फ्लड के हवाले से बड़ा मुश्किल साल रहा है तमाम पाकिस्तान के लिए, और सिंध पुलिस में इस दफ़ा जिस तरीके से लोगों की मदद की, ये आई जी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की विजन था कि मुश्किल वक्त में पुलिस पर चढ़ के लोगों की मदद करे। और उस पर ना सिर्फ ये जो आम सिक्योरिटी की और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ थी, उसके अलावा फ्लड रिलीफ में प्रैक्टिकली उन्होंने हिस्सा लिया। जितने भी फ्लड के सामान को पहुँचाने में मुश्किल पेश आई लोगों को, उसमें ना सिर्फ एक उनको सिक्योरिटी दी बल्कि सिक्योरिटी डिवीजन की तरफ से वॉलंटियर्स हमने भेजे ताकि लोगों तक जो फ्लड का सामान है वो हम पहुँचा सकें और उनको सेफ पैसेज दे सकें, ताकि जो जगह है जहाँ पे पहले लोग नहीं पहुँचे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वहाँ पे पहुँच सके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। इस सिलसिले में मैं तमाम सिंध पुलिस और सिक्योरिटी डिवीजन को शाबाश दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अवाम और बिलखसूस सिंध के अवाम की मदद की। इसके अलावा सिक्योरिटी डिवीज़न ने 2 मेडिकल कैंप लगाए, एक डिस्ट्रिक्ट दादू में, एक डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज में। उसके लिए भी जो अवाम की मदद हुई JDC के साथ मिल के और बाकी वॉलंटियर्स के साथ मिल के, तो इसमें मैं तमाम जो टीम मेम्बर्स हमारे साथ शामिल थे उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों की मुश्किल वक्त में मदद की। नॉर्मल ड्यूटी के अलावा SSU ने डिफरेंट शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और 10 से ज़्यादा मेडल्स जीते, जो कि ना सिर्फ ये कि कराची में इंतजार हुआ बल्कि इसको इस्लामाबाद में भी डिफरेंट शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया, उसके लिए भी मैं शूटिंग टीम को मुबारकबाद दूंगा। योम पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तकरीब में सिंध पुलिस की तरफ से SSU ने हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस से बाकी दस्तों के साथ शाना बशाना खड़े रहे, उसके लिए मैं भी उनको मुबारकबाद दूंगा। तो ये साल ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग था, और मुश्किल को नज़र मद्देनज़र रखते हुए अफसरों और जवानों ने बहुत मेहनत की, उसके लिए मैं तमाम का एक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बियॉन्ड देयर ड्यूटी आवर्स, बियॉन्ड देयर ड्यूटी लिमिट्स उन्होंने अपना काम किया और आवाम की मदद की और आवाम की जान और माल की हिफाजत की। सिंध पुलिस की कमांड और सिक्योरिटी डिवीज़न के जितने भी अफसर और जवान हैं उनकी तरफ से मैं तमाम आवाम को नए साल की फिर से मुबारकबाद दूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे ताकि आवाम की जान और माल की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।